Hello guys, you are watching Bro's Reaction. My name is Kazin. Mera naam hai Honors B. Aur mera naam hai Satyan Ali. To reaction wo jo dil se nikle. To aaj jis video wo jo hum video dekhne wale hain, reaction nahi karenge is pe. Zara si video dekhte hain, matlab ye video dekhenge iske bare mein baat karenge. Fir aap log niche humse baatein kijiyega comments mein to fir pata chalega ki hame gaaliyan diyega, daantega. Nahi to fir abhi ye video dekhne ke baad कुछ बातें करेंगे हम लोग जिससे थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो हमारे और आपके क्योंकि हम लोग जरा मिलाने आए हैं इंडियंस और पाकिस्तानी मैं हमेशा कहता हूँ कि अलग अलग नहीं है हम लोग बेसिकली इंसान हैं तो हम लोग तो चाहते हैं भाई सब साथ रहें और मिल के रहें तो फिर तो वीडियो, इस वीडियो के बाद आप सबके और हमारे सबके कॉन्सेप्ट जो है वो नाना अबाउट जिहाद टू कसाब ये वीडियो बहुत सारे लोगों ने बोला था करने को तो काफी टाइम से नहीं कर रहे थे ऑफ 2611 जो आपने एक मूवी है नाना पाटेकर की वो देखी होगी और तो उसका छोटा सा सीरीज जिस पर हम रिएक्शन करने वाले हैं रिएक्शन भी और उस पर थोड़ी बातचीत करेंगे सर तो पहले वीडियो आप लोगों को दिखाते हैं फिर बात करते तेरे के साथ रहना चाहता है ना तू जन्नत छोड़ जन्नम का दरवाजा भी खटखटाया होगा ना इनकी रूह ने तो वहां बैठे शैतान ने इनके गांड पर लात मारकर भगा दिया होगा यही कहीं भटकती होगी उनकी रूहें मैं तो नहीं देख पा रहा हूं शायद तू देख सकेगा तेरे अपने हैं ये कौन है क्या नाम है इसका अब्दुल अब्दुल पूछ इन सबको क्या होता है जिहाद कुछ शायद अब समझ गए होंगे 41 बार जिक्र आया है जिहाद का पाक किताब में फिर भी तुम लोग नहीं समझे तुम क्या समझते हो सिर्फ तुमने और तुम्हारे आका ने कुरान पढ़ी है हम सब लोग जाहिल हैं हमारी कोई औकात नहीं बिसात नहीं क्या औकात है तेरे आका के दर्श में तेरे आका ने यह नहीं बताया हुआ तो अशरफुल मखलूक है यानी इंसान खुदा की बेहतरीन तखलीक इंसान इंसान को बनाने के बाद सजदे करने का हुक्म दिया था खुदा ने फरिश्तों को जानता है तुम्हारे आका ने यह नहीं बताया कि जन्नम के आग से बचने के लिए खुदा ने तौबा बनाई है सच्चे दिल से अपने गुनाह की तौबा करता तो भी जन्नत तेरी थी तेरे आका ने कुरान की इस नसीहत को तुझे नहीं बताया कैसे बताता ये तो जिहाद का गाजर दिखाकर तुमसे ऐसी घिनौनी हरकत कैसे करवाता उसने कहा इस्लाम खतरे में है जिन पर आफत आ गई है और तूने भून कर रख डाला मासूम को मादर चोद उन मासूम बच्चों से और औरतों से कौन सा खतरा था तेरे मसल इस्लाम की नींव ही इंसानियत पे है इसका तुझे इल्म ही नहीं क्योंकि तू जाहिल है ऐसे जिहाद के बाद तू समझता है
تمہاری روحیں پاکیزہ اور نورانی رہیں گی. دیکھ ان کے چہروں کو, گھن آتی ہے گھن. سن ان کے جسم سے آ رہی شہادت کی خوشبو کو. مادر چود, ناک کو بند کرتا ہے. سن 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 فرشتے آئیں گے, شہر سے ہرے نہلائیں. تمہارے آقاؤں نے ان لاشوں کو پہچاننے سے تک انکار کر دیا. دو گز زمین تک نہیں ملی ان لاشوں کو. ساری دنیا تھوک رہی. اسے قربانی شہادت کرتا. شہادت دیکھنے باہر جا کر دیکھ. جنہوں نے نہ کسی کا مذہب پوچھا نہ دھرم پوچھا, اپنے فرض پر قربان. بھگوان اور اللہ کی بنائی ہوئی قدرت اور انسانیت کی سلامتی کے لیے شہادت دے دی اپنی. سب لوگ ماتم منا رہے ہیں ان کے لیے. سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں. انہیں تو اس دنیا میں ہی جنت مل گئی. اسے شہادت کہتے ہیں. تو خوشی سے جھوم اٹھاتا نا جب تیرے آقا نے اس کام کے لیے تجھے چنا. ایک بات بتا, جس جس کو بھی تو نے مارا کبھی اپنے ضمیر سے پوچھا ان کا گناہ کیا ہے؟ ضمیر 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 جانتا ہے ضمیر. بچ گئے تو غازی, میں تو شہید ہوں. سالے گیدڑ, کفن کے ساتھ ساتھ تیری گانڈ پر شہادت کا گازر بھی باندھ دیا تیرے آقا نے. تجھے یہ نہیں بتایا کہ قیامت کے روز ایسی گھناؤنی حرکت کرنے والوں کی سزا سب سے پہلے ہوگی؟ یہ میں نہیں, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے. ان کے وعدے, ان کی نصیحت, یہ جانتا بھی ہے تو؟ شہاد کو تم جیسے گمراہوں نے تماشا بنا کے رکھا. تماشا کرنا ہے جہاد تو کرو, پہلے اپنے نفس کے ساتھ, اپنے دل اور دماغ میں پنپتی ہوئی برائیوں کے ساتھ. وہ ہے جہاد, جہاد الاکبر. ایک بار قرآن ٹھیک سے پڑھتا یا صرف پڑھتا تو بھی سمجھ جاتا مسلم ایمان کیا ہوتا ہے. اب وقت تو تم مسلمان ہو ہی نہیں. اسلام بہت بڑی چیز ہے, تمہارے جیسے لوگ نہیں سمجھ پائیں گے. تیرے عمر کا بیٹا ہے میرا, اس میں میں
दो बातें करूँगा, एक नाना पाटेकर और एक जिहाद। दो टॉपिक इस वीडियो में, नाना पाटेकर की डिलीवरी मतलब अगर उनका देखें तो उन्होंने बहुत अच्छी वाला डिलीवरी करी है। मूवी सीन मतलब कि लग ही रहा था कि ये मूवी का कुछ सीन था, ऐसा लग रहा था कि कोई रियल लाइफ में कोई केस देख रहे हैं, ऐसे डिलीवरी हम देख रहे हैं तो बहुत अच्छी करी है। और दूसरा टॉपिक जिहाद, तो वो जो नाना पाटेकर समझा रहे थे वो बात मतलब कुछ सही थी। मतलब जिहाद क्या है, जिहाद आपके नफ्स के साथ है, अपने दिल के साथ है, जो आपके अंदर की बुराई है वो खत्म करनी चाहिए। जिहाद अपने में है, अपने अपने आप से, दूसरे से किसी का कुछ उसमें है नहीं भाई। पहली बात तो ऐसा कोई बंदा हो, मतलब भले वो मुसलमान हो या कोई भी हो, तो ऐसे बंदे पर सीधी लाना चाहिए सबसे पहली बात। और ऐसे बंदे के साथ तो जितना बुरा होना चाहिए ना उतना बुरा करना चाहिए। और ये कि इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है ना कि मुसलमानों को बुलाया जाता है कि भाई जिहाद करो, ये करो, वो मिलेगा, हम लोग जहाँ रहते हैं और जहाँ से मैं मतलब देख रहा हूँ बचपन से हम लोग ये, वो हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा भाई। जो सच बात है, मैंने तो नहीं देखा कि ऐसे कुछ होता हो। ये पता नहीं कौन से जाहिल मुसलमान होते हैं, कौन से जाहिल लोग होते हैं जो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं। तो भाई ये जो दिखाया कि इतने लोगों की जाने लेना और ये सब करना, ये तो वैसे ही एक गुनाह है, पाप है, सीधी सी बात है। तो वो भले मुसलमान है और कोई भी हो, जो भी है वो गलत काम कर रहा है, बिल्कुल गलत काम कर रहा है। और जहाँ तक ये अजमल कसाब की बात है, तो ये इस जिहाद का नाम लेके इसकी आड़ में अपने काम निकाल रहा होगा, अपनी चीज़ें पूरी कर रहा होगा। और ये हालांकि ये भी कोई जो बात है जिहाद जिहाद का नाम लेके कर रहा है, ये भी कौन से कोई जिहाद कर रहा होगा भाई। जिहाद जिहाद कुछ भी नहीं होता, सीधी सी बात है। जिहाद क्या मतलब, क्या कसूर था यार उन लोगों का जो उसने हाँ जाके मार दिया। या इंडिया का छोड़ो, मैं अपने पाकिस्तान की बात कर लूँ कि 124 जो बच्चे जो शहीद हुए थे APS पेशावर अटैक में, तो उनका क्या कसूर था? कोई कसूर नहीं था। और ऐसे छोटे छोटे मासूम मासूम बच्चे थे, उनको जाके एक ही गोली जाके मार दी। और बिल्कुल नाना पाटेकर ने इसमें सही बात की कि शहीद तो वो लोग हैं जो इस अटैक में मरे, बिल्कुल ठीक है, वो असली शहीद हैं, ये थोड़ी दुनिया याद रखेगी। और ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि मारोगे तो जन्नत मिलेगी, ये होगा वो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तो टुच्चे लोगों ने ना ये सब चीज़ें निकाल दी हैं, वरना ऐसा कोई किसी का मानना नहीं है, ना कोई ऐसा करता है। और मेरे हिसाब से तो आपको हम लोग की लैंग्वेज और ये सब देख के भी ऐसा ही लग रहा हो कि कहीं से हम लोग ऐसे हैं। तो ये तो मैंने मूवीज में बहुत देखा है, वो दिखाए थे दाढ़ी मुसलमान हुआ, दाढ़ी बड़ी बड़ी सर पर टोपी ला के और सलवार खा देंगे और फिर बात बात पे अस्सलाम वालेकुम भाईजान 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 यार, ऐसे ही नहीं रहते भाई हम लोग, फुल स्वैग में रहते। व्हाट द फक वाली कहानी है ये, तो ये क्या है ये भाईजान? और ये ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, ये सब तो मूवीज में दिखाने मतलब दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो जिहाद व्याद और इस तरह की टुच्ची, ये सब टुच्ची बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये पता नहीं कौन से जाहिल लोग होते हैं, इनको कहते हैं ना बेवड़े, उस तरह के पता नहीं कौन से लोग होते हैं जो इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। और फिर वो उसमें होता कुछ नहीं है, मासूम लोगों की जान ले लेते हैं, जो कि इंतहा ज़्यादा गलत काम है। और ऐसे लोगों को मैं तो कहता हूँ कि ये नहीं करना चाहिए कि पकड़ के जेल में डाल दिया, अगर भाई सरे आम ना लाइव टेलीकास्ट करके फांसी दे दो, सीधा सीधा टॉर्चर भी नहीं भाई, आप कैमरे वैमरे ऑन करो, सड़क पे भरी आप लगाओ और दुनिया को दिखाओ कि भाई देखो इसने ये काम किया था, इसको सरे आम फांसी दे। और ऐसे लोगों को मार देना चाहिए, मैं कहता हूँ जेल वेल में रखना, ये सब बेकार बात है यार। मसला ये कि जिसके यहाँ जो मरा है ना, ये उसको पता है कि उसका क्या करना है। मरने के बाद तुमने शक्लें देखी, चलो वो तो टीवी गंदी शक्लें और मुझे देख के हो जाती है, देख के ही बुरे लग रहे हैं। नहीं नहीं मतलब, वो तो देखो क्या फिल्म के कैरेक्टर हैं सारे, लेकिन आपने रियलिटी में भी देखा होगा ना, अगर टीवी पर अक्सर आते हैं तो बहुत ही गंदी शक्लें मरने के बाद। नहीं बात ये ना कि देखो जिसके यहाँ का मर गया ना, उसके दिल में तो यही होता है ना कि यार इसके साथ क्या किया जाए। अब ये थोड़ी आप उसको जेल में रखा हुआ है, जेल में उसको अच्छी ट्रीटमेंट भी मिल रही है, खाने पीने सब कुछ तो कर रहा है, वो फायदा थोड़ी है, वो थोड़ा टाइम रहता है उसके बाद निकल जाते हैं, किसी दुकान खबर भी नहीं होती। तो ऐसे लोगों को ये करना चाहिए, आपने पकड़ लिया ना एक बार,
आप कैमरे ऑन करवाओ मीडिया के बुलवा के पूरी दुनिया में दिखाओ, मैं दिखा किसी को मारना भाई क्यों मार रहे हो किसी को फालतू में यार, और फिर उसके बाद आप बोल रहे तो जिहाद वैसे भाई जिहाद का कुछ मैं आपको बता रहा हूँ जिहाद मतलब ऐसा कुछ बता रहा हूँ ना जो उसने बताया कि भाई आप अपने आप से आपका जिहाद आप अपने आप को अच्छा करो हर चीज अपनी सुधारो वो है जिहाद आपके लिए, कुरान में भी ऐसे ही बताया गया कोई अलग से नहीं बताया गया। तो भाई ऐसे लोगों पे सीधी लानत है, जितनी गालियां हो उनके लिए वो कम है, बाकी तो दबा के गालियां सब मैं तो कहता हूं स्टॉप करते हैं जिहाद को। जो उसने बताया नाना पाटेकर की एक्टिंग आई लव यू नाना पाटेकर, इससे खतरनाक एक्टिंग मैंने नहीं देखी, जो रियलिटी थी उसमें यार। मैं जब वीडियो देख रहा था मैं भूल गया, मैं खुद भूल गया था कि हम लोग शायद वीडियो कर रहे हैं, मैं उसमें ही खो गया कि मतलब वो एक मूवी का सीन लग रहा था, लग रहा था कि ये बंदा एक क्विक टॉपिक और क्या बात मतलब एक एक्यूरेट बात की है उन्होंने जो भी बात की है। और ऊपर से मुझे उस वक्त वो बंदा इतना जहर लगा वो जो दूसरा वो जो टेररिस्ट उसको बनाया हुआ वो चीख रहा ना अल्लाह और ये रो भाई क्या ऐसा कोई सीन नहीं है, तुम बिल्कुल ही अजीब सा वो है। लेकिन ये है कि भाई ऐसे मैं यही फांसी हो गई बहुत अच्छी बात है, मुझे पता नहीं इंडिया में ये कहा होंगे, ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई 2012 में शायद फांसी हुई थी इसको। और मैसेज यही है कि भाई ये ऐसे लोग सलासल गलत होते हैं, बिल्कुल गलत करते हैं, दुनिया में हर जगह ऐसे लोग होते हैं, चाहे इंडिया हो पाकिस्तान हो और भी कंट्रीज हो, सब बुरे लोग हर जगह हर जगह ऐसी बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान से बिलोंग करता था क्या था मुझे इतना इसका पता नहीं, तो खैर बुराई तो हर जगह है और हम लोग अच्छा ही बांटने के लिए बैठे हैं। और बस यही एक मैसेज था और काफ़ी लोगों ने इस वीडियो के बारे में करने को बोला था तो हमने एक ये वीडियो की है, तो अब देखते हैं कि आप लोग इस पे हमें कैसा रिस्पांस देते हैं और आप लोग आप लोगों के क्या दिमाग है, मतलब आप क्या सोचते हैं नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। एंड यू गाइस वर वॉचिंग ग्रोज रिएक्शन, मेरा नाम है काजिम, हिज नेम इज़ सकलैन अली एंड हिज नेम इज़ ऑन। गुड बाय।